सो हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो फाइनली दोस्तों सैमसंग आज अपने नए मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुका है, सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2। आप इसको सैमसंग गैलेक्सी A82 भी कह सकते हो। ये ग्लोबल मार्केट्स में सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 के नाम से लॉन्च हुआ है। सैमसंग का नया क्वांटम सीरीज भी आप कह सकते हो, लेकिन इंडिया में ये सैमसंग गैलेक्सी A82 के नाम से लॉन्च होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसका प्राइस क्या है, इंडिया में कब लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। और हाँ दोस्तों, आपको कौन कौन से अल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं ये भी बताऊंगा मैं। तो जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों मैं Realme 8 5G के बारे में ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और ऑफिशियल प्राइस बताया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो स्मार्टफोन ना Realme V30 5G का रीब्रांड है जो ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले लॉन्च हो चुका है। वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अमेजिंग है, आपको बहुत अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का क्वाड HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और यहाँ पर आपको 1200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 5:4 का PPI मिल जाता है, HDR10 को दोस्तों ये सपोर्ट करता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बहुत अच्छे अच्छे स्पेक्स मिलते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ कंडीशंस बता देता हूं, ठीक है। अगर आप इस स्मार्टफोन को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे यूज करोगे तो आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा। स्मार्टफोन के सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूं। अगर आप 60 हर्ट्ज पे यूज करोगे इस स्मार्टफोन को तो क्वाड HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन देगा, ठीक है दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्प्ले कैसा है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में भी है, तो बहुत ही शानदार है यार। डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले पे आपको देखने को मिल जा रहा है, तो आप जब भी गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होगा। ऊपर से HDR10 को सपोर्ट करता है तो और भी इनहांस हो जाएगा आप जब भी गेमिंग करोगे तो। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो स्मार्टफोन गिरेगा तो उतने जल्दी टूटेगा नहीं। आप जब भी स्मार्टफोन को आउटडोर लेके जाओगे, धूप में यूज करोगे, तो सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि 1200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही शानदार है, बेजललेस डिस्प्ले है, नीचे कोई चिन्ह आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, सेंटर पंचोल डिस्प्ले, पंचोल नॉर्मल सा है, ठीक है। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, बहुत अच्छे सेंसर्स के साथ है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। सेल्फी की बात करें तो 10 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है, कैमरास इसके बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे सेंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं बहुत ही सर्च किया, कहीं पर भी सेंसर्स के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, बस कहा गया है कि बहुत अच्छे कैमरास है। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़े और स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, LPDDR4X RAM टाइप देखने को मिल जाता है, 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है, 25W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। आप देखो यार, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप अगर स्मार्टफोन को परचेस करोगे तो आपको चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। सैमसंग बोला था आपसे वो जब भी स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, जो मिड रेंज फ्लैगशिप होंगे वहाँ पर चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको शायद बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को ना मिले। एंड्रॉइड 11 आपको मिल जाएगा जो One UI 3.1 पे बेस्ड होगा और NFC का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 855 प्लस मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, एक 5G प्रोसेसर है। 2019 का ये दोस्तों Qualcomm का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, अभी भी बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल प्रोसेसर है। और यहाँ पर आपको QRNG सिक्योरिटी चिपसेट भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। Adreno 640 का GPU देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों 700 MHz पे क्लॉक्ड है। परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ पे स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा। फ्लैगशिप प्रोसेसर है यार, तो ऑब्वियस सी बात है स्मार्टफोन बहुत ही मक्खन के जैसे वर्क करेगा। परफॉर्मेंस वाइज स्मार्टफोन बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने से पीछे से बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के स्मार्टफोन्स के जैसा दिखाई देता है। हालांकि जो कैमरा हाउसिंग है वो फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वैसे ही अलाइंड है, ठीक है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, पीछे से काफी यूनिक लुक दे देता है। अगर दोस्तों आगे से देखोगे तो बेजललेस डिस्प्ले है, सेंटर पंचोल डिस्प्ले है, जो नॉर्मल सा है, चिन्ह बहुत कम है स्मार्टफोन का। देखने में स्मार्टफोन डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम लगता है।
बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ग्लास्टिक बैक देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको ग्लास्टिक बैक मिलता है जो प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है और आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। मेरे को दोस्तों स्टार्टिंग से सैमसंग का ये आदत अच्छा नहीं लगता है, चाहे दोस्तों वो फ्लैक्सी स्मार्टफोन्स को लॉन्च करें, चाहे मिड रेंज स्मार्टफोन को या फिर मिड रेंज फ्लैक्सी स्मार्टफोन्स को, वो कभी भी अपने स्मार्टफोन्स में ग्लास बैक नहीं देता है, ग्लास्टिक बैक ही देगा वो, ठीक है। प्लास्टिक देगा नहीं तो ग्लास्टिक बैक देगा। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, बिल्ड वाइज थोड़ा सा पीछे चला गया। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज कोरिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात कर ले तो 6+128GB आपको 46,970 रुपए का मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या ऑल्टरनेटिव हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखो यार, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, अकॉर्डिंग टू लीक्स ये स्मार्टफोन जून के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी A82 होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीक्स बोल रहा हूँ, उसको सच मत समझ लेना, हो सकता है थोड़े दिन और बात लॉन्च हो जाए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या हम लोगों को वेट करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, मैं कहता हूँ आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट मत करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। आप OnePlus 9 सीरीज के कोई स्मार्टफोन को परचेज कर लो, आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाएगा। नहीं तो आप Asus ROG Phone 5 परचेज कर लो, गेमिंग स्मार्टफोन है, इससे अच्छे स्पेक्स ही देता है। लेकिन अगर आपको सैमसंग का ही एक स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों आप सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G परचेज कर सकते हो, या फिर सैमसंग गैलेक्सी S21 परचेज कर सकते हो, अगर आपको सैमसंग का ही एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए तो। अदरवाइज दोस्तों आप जाके LG Wing परचेज कर लो यार, गजब का ऑफर है, 80,000 रुपए का स्मार्टफोन है 30,000 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही शानदार और यूनिक स्मार्टफोन है, फ्लिप होता है, आप देखे होंगे यार, तो आप जाके उसको परचेस कर लो, मैं आपको इतने सारे अल्टरनेटिव बता दिया हूं। तो दोस्तों बस के लिए कंप्लीट पैकेज सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 AKA सैमसंग गैलेक्सी A82 का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 20 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। चैनल पे नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके लुक्स, उसके स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लगे, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए टेक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं। आज का टेक न्यूज लाइव हो चुका है, आई बटन पे दे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, जल्दी जाके देखो और अपडेटेड हो जाओ। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमें सबका ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय, गर्मी बहुत ज्यादा है यार।